नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, रेलवे फार्मासिस्ट की, आरआरबी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म कब और कैसे आपको कहाँ पे भरना, कैसे आपको कोई गलती हो जाती है करेक्शन कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथियों, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको लगातार फार्मेसी से संबंधित वीडियो के माध्यम से जानकारी लाते रहते हैं। फिर भी आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप पर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे की अपडेट देते हैं। जी हाँ साथियों, रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फॉर्म आया हुआ है उसके ओपनिंग डेट क्या है। साथियों आप लोग फॉर्म को फिलअप कब से कर सकते हैं, ये साथियों 17/8/2024 से आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है साथियों देख सकते हैं 16/9/2024 यानी कि 16 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17 अगस्त से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो लोग आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वो सेंट्रल लेवल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। अब बात करते हैं कि इसमें करेक्शन कराने के लिए यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ जाती है तो आप लोग 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म में अपने करेक्शन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर। और ऑनलाइन जो आपको करना है शाम को जो 16:04, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है कि 16 तारीख को 16/9 तक हम फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको 2 से 4 दिन पहले ही फॉर्म भर लीजिए, क्या ताकि जो भी वेबसाइट वगैरह सर्वर वगैरह डाउन हो आप उसको आसानी से फिलअप कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई प्रकार की पोस्ट हैं, सभी के लिए जारी किया गया है। ये फार्मासिस्ट की एंट्री ग्रेड यहाँ पर देख सकते हैं जो कि नंबर 13 पर है फार्मासिस्ट का, जो कि आपका 5 ग्रेड का 29,200 रुपये सैलरी आपकी रहने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 साल से 38 साल तक C2 ग्रेड का है, 246 पोस्ट आप लोगों के लिए जारी किया गया है। इस प्रकार से 246 पोस्ट है आप लोगों के लिए, टोटल यहाँ पर 1376 पोस्ट जारी किया गया था सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वगैरह होना चाहिए। आप यदि जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको इसको देखना है, एज लिमिट कब से कंक्लूड होगी इसको भी आपको ध्यान देना है। 1/1/2025 से आपकी एज लिमिट यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है, यानी कि लिया जाएगा। ये भी सारी चीजें आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जैसे ही नीचे जाएंगे और भी सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, जैसे कि हमको 26/9 आपको बताया हुआ था। आपका पेपर कैसे होगा साथियों, CBT यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से आपका एग्जाम होगा, जैसे TPSC वगैरह का होता है, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं साथियों, ठीक है। और भी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारी चीजें आपको समझना अनिवार्य है, ठीक है। और आप लोग अवश्य बताइएगा आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और आपका अभी डिफार्मा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको नोट आउट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोगों का दिया गया है नोटिफिकेशन या दिया गया है। आपका एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, डिफार्मा विफार्मा जो भी आपने किया हुआ है कोर्स, उसका रजिस्ट्रेशन आपका फार्मासिस्ट का होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह, एज लिमिट वगैरह उसके बारे में, SC ST OBC, ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कितना छूट मिलने वाली, कितने साल की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आप SC ST की हैं तो 5 साल की सीट, OBC नॉन कैटेगरी के हैं तो 3 साल की छूट, EWS के लिए 3 साल छूट देख सकते हैं, एक्स सर्विस मैन के लिए 6 ईयर का छूट, और SC ST से हैं 8 ईयर का छूट, PWD हैंडीकेप्ट वगैरह 10 साल, 13 साल, 15 साल, इस प्रकार से यहाँ पे एज लिमिट में भी छूट अच्छी खासी देखने को
मिल सकती है। और फीस की बात कर लेते हैं तो साथियों, 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए है, यदि आप एससी एसटी के हैं तो आपको 250 रुपये आपको यहाँ पर दिया हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं वाली कैंडिडेट रिटर्न सीबीटी गेट रिफंडेबल, आपका कुछ फीस साथियों रिफंडेबल होगा यदि आप एग्जाम देते हैं तो, एग्जामिनेशन में आप शामिल होते हैं, जो आपकी 500 या 250 रुपये फीस लग रही है ये भी आप कुछ पैसा रिफंडेबल होगा। इसके बारे में डिटेल नहीं दिया गया है कि कितना रिफंडेबल होगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये फीस है, 400 रुपये सेल भी रिफंड। साथियों स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है कि 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे यदि आप एग्जाम देते हैं तो, एग्जाम देंगे तो आपका 400 रुपये और वापस हो जाएगा। इस प्रकार से और भी डिटेल है साथियों यहाँ पर, और इस पीडीएफ को हम साथियों सोच रहे हैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दें, सुधीर फार्मेसी टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़िए डिटेल में। पूरा तो इसको वीडियो में नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को हम भेज देंगे आप लोगों को, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से जानकारी आपकी क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।